हेलो गाइस एवरीवन। सो चलिए आज हम आपको फिर से एक बार और एक नया इफेक्ट बताते हैं आपको, आप कैसे अपना फोटो एडिट कर सकते हैं विथ एक नए इफेक्ट के साथ। तो आज जो मैं इफेक्ट बता रहे हैं बहुत अच्छी इफेक्ट है, इसे देख लीजिए। ये भी एक फ़ोटो है जिसमें हम आपको बहुत से अच्छे एडिट बताने वाले हैं और इफेक्ट भी बताएंगे जिसको आप रिटच कर सकते हैं, ईजिली कर सकते हैं। गाइस सबसे पहले हम आएंगे इस पर और एक्सपोजर को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, कंस्ट्रक्ट को भी बढ़ा देंगे, हाईलाइट को माइनस कर देंगे और शैडो को भी बढ़ा देंगे, वाइट को भी माइनस कर देंगे और ब्लैक्स को भी बढ़ा देंगे। उसके बाद आज हम इसमें आएंगे, वाइब्रेंस को बढ़ा देंगे जो हम हर फोटो में करते हैं, हल्का सा बढ़ा के इसको माइनस कर देंगे। ये माइनस हम तब वाइब्रेंस तब हम माइनस करते हैं जब हम फोटो को कोई ब्लैक एंड वाइट या ब्राउन टोन में बनाने हैं तब इसको माइनस करते हैं, अदरवाइज इसको हमेशा बढ़ा के रखते हैं। इससे हम मिक्स में आएंगे, सिचुएशन को हल्का सा माइनस करेंगे, रेड टोन का फिर से हल्का सा बढ़ा देंगे। इसे इस पर आएंगे हम, इसका सिचुएशन हम माइनस करके इसको हल्का सा बढ़ा देंगे, इसको फोटोग्राफ कर लीजिए। फिर से हम इस वाले इफेक्ट पर आएंगे, इसको हम माइनस कर देंगे, इसको भी माइनस कर देंगे और ये ग्रीन टोन है, ग्रीन टोन पे आने के बाद इसको हम माइनस कर दिए हैं 100, पूरा माइनस 100 है। सिचुएशन हल्का सा बढ़ा के इसको माइनस कर देंगे। फिर से हम ब्लू टोन पे आएंगे, हम पूरा इसको माइनस कर देंगे, इसको हल्का सा बढ़ा देंगे। तो गाइस ये जो ग्रीन टोन है इसको भी हम माइनस में रखते हैं और ये जो है इसको हम माइनस करने के बाद थोड़ा सा मिस गलत हो गया, इसको हम हल्का सा इस पर रखते हैं, उसका सिचुएशन बढ़ा देंगे, लुमिनस को हल्का सा घटा देंगे, इसको हम पूरा माइनस कर देंगे, उसको भी हम पूरा माइनस कर देंगे डन। उसका टेम्परेचर को 6 पे कर लेंगे। उसके बाद आज हम इसमें आएंगे, क्लैरिटी को हम अपने फ़ोटो के अकॉर्डिंग कभी भी क्लैरिटी को बढ़ाते हैं, फ़ोटो कैसा है और उस हिसाब से हम क्लैरिटी बढ़ाते हैं। तो आप अपने फ़ोटो के अकॉर्डिंग आप इसको यूज़ कर लीजिए, आप या तो कैसे बढ़ाना है इसको, हमेशा 4 या 6 रखते हैं तो मैं 4 रख रहा हूँ। पिगमेंट को हम माइनस कर देते हैं, मिड पॉइंट को भी हल्का सा माइनस करके फिगर बता देते हैं, स्प्लिट टोन पे हम आएंगे गाइस, इसको हम हल्का सा बढ़ा देंगे। देखिए ह्यू जो है यहाँ पे 25 हो गया है और ये सिचुएशन 6 हो गया है, तो इसको हम डन कर देंगे। फिर से हम इस पर आएंगे, शार्पिंग को हम 40 कर लेंगे, मास्किंग को बढ़ा देंगे, डिटेल पूरा 100 कर देंगे, नॉइज सिचुएशन को 24 कर देंगे, इसको भी हम आएंगे 20 तक कर देते हैं। फिर से गाइस इतना कुछ होने के बाद हम फिर से देख सकते हैं फ़ोटो कुछ चेंज हो गया, तो फिर से हम इस पर आते हैं, कर्व में आएंगे तो इसको थोड़ा सा फ़ोटो पर लाइट बढ़ाएंगे, लाइट बढ़ाने के बाद इसको हल्का सा ऐसे कर देंगे, इसे नेचर क्लैरिटी आ जाएगा। इसका रेड टोन पे आएंगे, इसको हल्का सा हम इसको माइनस करके इसको हल्का सा हम बढ़ा देंगे, इसको हल्का सा माइनस कर देंगे, डन कर देंगे। तो गाइस देख सकते हैं आपकी फ़ोटो बन चुकी है और यहाँ से हम इसको सेव कर सकते हैं हाईएस्ट क्वालिटी पे। तो गाइस ये वीडियो बन चुकी है और ये इफेक्ट हम तभी यूज़ करते हैं जब फ़ोटो इस तरह की हो, ऊपर स्काई हो और बैकग्राउंड हल्का सा ग्रीन टाइप का हो, मतलब नेचर टाइप का हो। तो अगर इस टाइप का अगर फ़ोटो आपका तो ये इफेक्ट ज़रूर यूज़ करें गाइस, और थोड़ा सा आप अलग भी यूज़ कर सकते हैं, आपको जैसा सही लगे वैसा इफेक्ट यूज़ कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए, हमें हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए गाइस, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो गाइस फिर अगले वीडियो में मिलेंगे नए इफेक्ट और नए टोन इफेक्ट के साथ, वीडियो के साथ। तो गाइस आज के लिए थैंक यू।